सुंदर सुंदर कोलियस के साथ आपका स्वागत है। देखिए सुंदर सा कोलियस खिला हुआ है। दो दिन से लगातार बारिश हो रही है और ये अपना चरम सौंदर्य बिखेरता हुआ। फ्रेंड्स, कोलियस पर मैंने एक वीडियो पहले बनाया है, वो लोगों ने देखा होगा। तो आज मैं फिर दोबारा से कोलियस पर बता रही हूँ। वो इसलिए क्योंकि कुछ लोगों ने अगर कोलियस नहीं लगाया है तो अभी टाइम है, वो लोग कोलियस को अपने गार्डन में लगा सकते हैं। देखिए कितना सुंदर प्लांट है। तो इसको आप आसानी से कटिंग से लगा सकते हैं। अगर आपके आस पड़ोस में किसी के पास है तो आप उससे एक कटिंग ले लीजिए। अगर वो उपलब्ध नहीं है तो आप नर्सरी जाकर भी इसका पौधा ले सकते हैं या इसकी कोई कटिंग ले सकते हैं। आप कोई पेड़ लेने जाएं, पौधा लेने जाएं तो आप उससे किसी भी रंग का कोलियस माली भैया से मांग सकते हैं, तो शायद वो आपको दे देगा। तो अक्टूबर का महीना है और विंटर सीजन में ये बहुत ही अच्छी तरह से ग्रो करता है। देखिए इसकी पत्तियाँ कितनी सुंदर हैं और इसका नया प्लांट और ज़्यादा चमकदार होता है। ये नया प्लांट है, देखिए। तो ये मैंने आपको लगाना भी बताया था। कुछ नए मेरे सब्सक्राइबर हैं, कुछ नए फ्रेंड्स जुड़े हैं, तो उनके लिए भी मैं थोड़ा सा आज बता देती हूँ कि इसको हम कैसे लगाएं। देखिए मैंने एक पॉट लिया है और मैंने ये कटिंग ली है, इसी में से यहीं से ले ली है क्योंकि मेरे पास काफ़ी है। तो इसको आप इतना मिट्टी में डाल लीजिए। अगर इसके नीचे कोई पत्ते हैं तो उनको हटा दीजिए। आप इस पत्ते को भी हटा सकते हैं, जैसे मैं हटा देती हूँ इसको, ये देखिए ठीक है। अब ये मतलब पत्ता हमारा मिट्टी में नहीं लगना चाहिए, जड़ ही जानी चाहिए। तो ये देखिए धूप भी आ गई है दो दिन से बारिश हो रही है। तो ये देखिए इसको मैंने ऐसे लगा दिया। बड़ा ही आसान है इसको लगाना। इसकी जो कटिंग है ये बहुत ही कोमल होती है, बहुत ही मुलायम होती है, तो ये आराम से ऐसे लग जाता है। देखिए ये मैंने लगा दिया है, इतना ही सिंपल है। इसको थोड़ा सा यहाँ से आप थोड़ा अच्छी तरह से दबा दीजिए और मौसम अनुकूल है, आपका ये प्लांट आसानी से उग जाएगा। इसको थोड़ा सा, अगर बरसात का मौसम है तो इसको रहने दीजिए, अगर थोड़ा सा धूप तेज़ हो रही है तो इसको थोड़ा सा दो तीन दिन आप छाया में रखिए, फिर उसके बाद ये ठीक हो जाएगा। इसकी जड़ें बन जाएंगी तो ये ठीक हो जाएगा। तो ये विंटर सीजन है, वैसे भी नमी है मौसम में, तो ये आराम से ग्रो होगा। तो वो एक ये प्लांट है। मेरे पास एक दूसरे कलर का भी कोलियस है, बहुत सारे रंगों के कोलियस मिलते हैं। तो ये देखिए इसमें भी दो पत्तियां नीचे लगी हैं, तो मैं इनको हटा दूंगी। आप भी इनको हटा सकते हैं ऐसे, ताकि ये कोई इसमें फंगस वगैरह ना लगे। ये देखिए इसमें थोड़ा सा छेद करके ऐसे इसको डाल देंगे। तो ये देखिए ये लग गया है हमारा कोलियस। ये देखो कितना प्यारा कलर है। तो ये मेरे पास इस बार नया है, तो इसको मैं इस बार थोड़ा ग्रो करूँगी। अगर आपके पास पुराना कोलियस है तो उसकी आप कटिंग ले सकते हैं और उसको जगह जगह पर आप इस टाइम लगा दीजिए। अगर आपके पास के कोलियस में इस तरह की कोई पत्तियाँ थोड़ा बरसात वगैरह से या पहले थोड़ी धूप थी ज़्यादा तो ये सूख गई है, तो इसको आप हटाते रहिए इस तरह की पत्तियों को, क्योंकि इसमें आप ये हटाएंगे तो आपको नई नई पत्तियाँ आ जाएंगी। इसमें काफ़ी सारी हैं तो इनको हटा सकते हैं। और अगर आपने कोलियस लगा रखा है तो उसको घना बनाने के लिए आप पिंचिंग ज़रूर करें। ये देखिए सबसे ऊपर जो टिप होती है, अगर आपका प्लांट बड़ा हो गया है, छोटा है तो उस पर पिंचिंग ना करें, उसको बड़ा होने दें। अगर बड़ा हो गया है तो उसको घना बनाने के लिए आप ये वाली टिप को आप इस तरह से, ये देखिए ये इसको हटा दीजिए। आप ये यहाँ से मैंने हटाया है, तो अब यहाँ से नई टहनियाँ इसकी निकल जाएंगी, ये देखिए छोटी छोटी। तो इस तरह से अक्टूबर में आप, अगर आपके पास बड़ा प्लांट हो गया है आपका, तो उसको पिंच कर सकते हैं। पिंचिंग करने से आपका प्लांट घना होगा। अगर छोटा प्लांट है तो उसको थोड़ा सा बड़ा होने दीजिए, जिस तरह कि मैंने ये लगाया है इसको थोड़ा बड़ा होने दीजिए। ये मैंने छोटे छोटे लगाए थे, अब मैं इसमें से कई प्लांट्स, ये देखिए इतना अगर प्लांट है आपका, तो इसकी आप कटिंग लेके दूसरी जगह ग्रो कर सकते हैं।
और इस प्लांट के लिए अलग से गमला भी लेने की ज़रूरत नहीं है। अगर कि कोई गमले में आपकी कोई जगह खाली है तो वहाँ भी आप उसी कटिंग लगा लीजिए, तो वो आसानी से ग्रो हो जाएगी। देखिए मेरे पास ये एक सदाबहार का प्लांट भी उसमें उगा हुआ है और मैंने नीचे इसकी कटिंग भी ग्रो कर रखी है। तो सर्दियों में आप 3-4 महीने इसकी सुंदरता का आनंद ले सकते हैं और उसके बाद फिर गर्मियों में थोड़ा सा इसको कुछ प्लांट हमारे बच ही जाते हैं। इसको ज़्यादा से ज़्यादा ग्रो कीजिए क्योंकि बहुत गर्मियों में इसको बचाना थोड़ा मुश्किल होता है। अब अगर आपके पास ज़्यादा प्लांट होंगे तो आप इनको अच्छी तरह से बचा पाएंगे। ये देखिए इस तरह से जो गर्मियाँ पड़ी थी तो इसमें इस तरह के पत्ते हमारे झुलस गए हैं, तो इनको हटाते रहिए। और पिंचिंग अब आप अक्टूबर में अगर आपका प्लांट बड़ा हो गया है तो आप करते रहिए, आपका प्लांट घना हो जाएगा। मैं एक बार और करके दिखा देती हूँ आपको, ये देखिए इस पर कर देती हूँ, ये देखिए ये है ऊपर और ये सबसे ऊपर वाली टिप है जो पिंच कर दीजिए इसको। तो ये वाली प्रोसेस आप हर प्लांट में, आपका प्लांट बहुत बड़ा हो रहा है तो पिंच करके उसमें से नीचे शाखाएं आ जाएंगी। तो इस तरह का आप अपनी कोलियस की इस अक्टूबर के महीने में और जनवरी फरवरी तक इसी तरह से केयर करते रहिए और नई नई कटिंग लगाते रहिए और अपने सारे गार्डन में इसको लगाकर अपने पूरे गार्डन को आप रंग बिरंगा कर सकते हैं। देखिए मैंने कितनी सारी कटिंग्स लगा रखी हैं, मैंने उसके लिए अलग से पॉट नहीं लिया है। इसमें देखो मैंने ये वाला प्लांट लगाया है और इसमें भी मैंने कोलियस लगा रखा है और इसमें मेरी छोटी छोटी मैंने रेन लिली के बीज डाले हैं, वो भी उग रहे हैं और ये कोलियस भी उग रहा है। तो इसको इसकी लंबी जड़, बहुत ज़्यादा गहरी जड़ें नहीं होती, तो ये छोटे से पॉट में, जैसे आप इतने पॉट में भी इसको लगाएंगे तो ये आसानी से लगेगा। और इसमें मतलब जितना बड़ा पॉट देंगे आप उतना फैल जाएगा ये, और बाकी छोटे छोटे पॉट में भी आसानी से उग जाता है। और इसको आप जहाँ मर्जी आप अपने टेरेस गार्डन में या बालकनी गार्डन को डेकोरेट कर सकते हैं सुंदर सुंदर ढंग से। तो इसमें रंग बिरंगे आप कोलियस तरह तरह के इस बार ला सकते हैं और किसी को आप अपने एक रंग का कोलियस देकर कोई दूसरे रंग का कोलियस भी ले सकते हैं। गार्डनिंग में इस तरह के कुछ काम भी करने चाहिए, पहले पहल आपको करनी होगी। इस तरह से आप कुछ प्लांट्स दूसरों को दीजिए तो ही लोग आपको भी कुछ नए नए प्लांट्स देंगे। इस तरह से आपके गार्डन में तरह तरह के प्लांट हो जाएंगे। और मैं ये मेरा मदर प्लांट है और मैं इसके आपको फूल भी दिखा देती हूँ। ये पहले साल में से लगा हुआ है मेरा, पिछले साल का है। तो देखिए इसमें इस तरह के फूल आते हैं, ये फूल आते हैं इसमें। तो जब ये फूल आएँ, अभी तो नहीं आएंगे अगर आपने नया प्लांट लगाया है, बाद में जब पेड़ मैच्योर हो जाता है तो इस तरह के फूल आते हैं इसमें। तो आप इन फूलों को हटा दीजिए क्योंकि जब फूल आ जाएंगे उसके बाद फिर प्लांट अपना ग्रोथ रोक देता है, फिर वो बढ़ता नहीं है। परंतु हमें तो इसके पत्ते लेने हैं तो इसलिए हम इस तरह के जब फूल आएँ तो उनको हटा दीजिए और आपका पेड़ घना हो जाएगा। तो और इस तरह से सर्दियों में आप इसकी सुंदरता का आनंद ले सकते हैं। तो फ्रेंड्स जरूर लगाइए कोलियस, अगर उपलब्ध नहीं है तो नर्सरी में जाके या जो आते हैं माली भैया हमारे आसपास रेडी लेके, उनसे भी आप इनको आसानी से ले सकते हैं। और इस तरह की जो कोई टहनियाँ, इस तरह की जो कुछ हैं पत्तियाँ, इनको लगातार हटाते रहिए क्योंकि ये बारिश से और बहुत ज़्यादा गर्मी से थोड़ी झुलस गई है, पर अब सर्दियाँ आ रही हैं, इसका बढ़िया मौसम है, अच्छी तरह से ये उग जाएगा। तो लगाइए कोलियस। फ्रेंड्स वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और सब्सक्राइब भी कर सकते हैं। धन्यवाद।